हेलो गाइस, मेरा नाम है निशा और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि हिमाचल पर। जैसा कि आप सबको पता ही है कि लास्ट ईयर भी हमने जो है एचपी टेट के लिए प्रिपरेशन शुरू की थी, और वो जो क्लासेस हैं वो हमने 5-6 महीने पहले जब आपका जुलाई में हुआ था टेट, तो हमने कंटिन्यू जो है वो क्लासेस ली थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है उन क्लासेस का फ़ायदा भी हुआ था। और कुछ स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज भी आए थे कि उनका एचपी टेट जो है वो क्लियर हो चुका है, और जिनका भी एचपी टेट क्लियर नहीं हुआ है या फिर जो अभी इस चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूले ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और जो भी इस चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि लास्ट ईयर भी हमने जो है एचपी टेट के लिए प्रेपरेशन की थी और काफ़ी अच्छे से की थी। नोट्स भी कुछ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाए थे जिनको चाहिए थे, जिन्होंने मुझे पर्सनली मेल भी किया था, उनको मैंने नोट्स भी दिए थे। और शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं कि एचपी टेट में हमारा पहला जो सेक्शन रहता है वो रहता है हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पैडागॉजी का। लास्ट ईयर भी मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पे बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो बनाई हैं, अगर किसी ने वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर पुरानी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, जिसमें मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था और उसके नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे। और जिन्होंने वो वीडियोज़ देख ली है कृपया वही इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तभी आप एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर आप नए हैं, बिल्कुल आपने एक भी वीडियो नहीं देखी है या आपको फिर साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो डायरेक्ट इस वीडियो को मत देखिए, आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वही ये एमसीक्यूज लगाएगा, राइट, उन्हीं को इनसे फ़ायदा होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आज सबसे पहले हम चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पूछा गया है कि इनमें से कौन सी थ्योरी जो है वो पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसमें से नहीं है, तो वो है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, पियाजे की थ्योरी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उन्होंने थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है वो एक्सेप्ट किया था कि हर व्यक्ति जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है, तो हमारे पास बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न। ये भी पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो हमेशा लर्न करने के लिए, सीखने के लिए जो है हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा जो है वो रेडी रहते हैं, ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग, इसकी बात भी इन्होंने अपनी थ्योरी में की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। ये जो है पियाजे की थ्योरी का पार्ट नहीं है, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, बाकी जो है ये पियाजे ने इनकी बात की है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू लाइव वगोत्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। लेव विगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो है आपकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका प्राइमरी कॉज क्या है? तो अगर आपने लेव विगोत्स्की के बारे में ध्यान से पढ़ा है, तो लेव विगोत्स्की जो है वो सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सोशल इंटरेक्शन। बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें जो है वो सोशल इंटरेक्शन की बात ज़्यादातर करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमास दिया है, ये आपके पियाजे की थ्योरी का पार्ट है, ना कि लेव विगोत्स्की की थ्योरी का पार्ट है, राइट। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या ज़रूरी है लर्निंग के लिए? तो आपको पता है कि पियाजे जो है हमेशा एक ऐसे एनवायरनमेंट की बात करते हैं जिसमें जो बच्चा है, जो लर्नर है, उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? वो होगा एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय लर्नर, राइट। कि एक एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें जो बच्चा है, जो लर्नर है, वो आपका हमेशा सीखने के लिए एक्टिव रहे। अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम अडल्ट देन इन डैश। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पहले भी एग्जाम में आ चुका है। आपने ध्यान रखना है कि लाइव जो जीन पियाजे हैं वो कहते हैं कि चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन काइंड फ्रॉम अडल्ट देन अमाउंट। कि अडल्ट के साथ अगर हम चिल्ड्रन की जो थिंकिंग है उसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा? काइंड में जो है वो डिफर करती है, बल्कि अमाउंट में सेम ही है, ठीक है। बच्चे भी उतना ही सोचते हैं जितना बड़े सोचते हैं, उतना ही एक बच्चा भी सोच सकता है, बट उसका सोचने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग होगा। इसकी बात जो है जीन पियाजे करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू विगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न। विगोत्स्की के अनुसार चिल्ड्रन कैसे जो है वो सीखते हैं? बाय मैच्योरेशन, जी नहीं। व्हेन री इन्फोर्समेंट इज ऑफर्ड, बिल्कुल भी नहीं। बाय इमिटेशन, इमिटेट करके, ये भी नहीं। तो लेव विगोत्स्की का कहना है कि जो बच्चे हैं इन्होंने हमेशा सोशल इंटरेक्शन की बात की है। सोशल इंटरेक्शन में आपके कौन कौन आ जाते हैं? फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके पीयर ग्रुप्स, आपके स्कूल एनवायरनमेंट,
ठीक है, आपके फ्रेंड्स वो सारे आपके सोशल इंटरेक्शन का पार्ट हैं, एक सोसाइटी का हिस्सा हैं। तो लिव विगोत्स्की इसी की बात करते हैं कि एक चिल्ड्रन जो है जो वो इंटरेक्ट करके अडल्ट्स के साथ, पीयर ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट करके ही जो है वो सीख सकता है, राइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपके पास कोलबर्ग हैज़ गिवन। तो इनमें से कोलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है, अगर आपने थ्योरीज पढ़ी हैं तभी आपको पता होगा। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिल्कुल नहीं, ये जीन प्याजे की थ्योरी है। स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, ये भी नहीं होगा। स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, ये भी नहीं दी है। तो कोलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है, कोलबर्ग ने थ्योरी दी है द स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, राइट। इसके साथ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी जुड़ी हुई है, अगर आपने पढ़ी होगी आपको तब पता होगा। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उनको देखिए, तभी आपको एमसीक्यूज जो है लगाने का फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ, जो स्टूडेंट्स जो है वो सीटेट की तैयारी भी कर रहे हैं, आपको पता है कि दिसंबर जनवरी तक जो है आपका सीटेट भी आ जाएगा, उनके लिए भी ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है एमसीक्यूज की, जो पैडागोजी की, ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसके बाहर जो है वो क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। मैंने पिछले कुछ सालों के पेपर्स को एनालाइज करके जो है आपके लिए एमसीक्यूज बनाए हैं, और इनके बाहर जो है आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मॉरल डिसीजन। तो कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसका जो प्री कन्वेंशनल लेवल है उसकी ये बात कर रहे हैं, उसके अनुसार जो कोई इंडिविजुअल है वो किस तरह से एक मॉरल डिसीजन ले सकता है। देखिए, इनकी जो थ्योरी है उसके 3 लेवल हैं, और अगर हम 3 लेवल की इन्होंने बात की है, अगर स्टेजेस की बात की जाए तो 6 स्टेजेस आ जाती हैं। हर एक लेवल में 2 स्टेजेस हैं, जैसे कि प्री कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल है, फिर पोस्ट कन्वेंशनल है। तो अगर इनमें अगर फर्दर इनकी स्टेजेस की बात की जाए तो एक एक लेवल में 2-2 स्टेजेस आ जाती हैं, ठीक है। तो आपकी जो पहली स्टेज है वो है आपकी प्री कन्वेंशनल लेवल, तो जिसमें बात की जाती है पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व्ड। से आपका, अकॉर्डिंग टू प्याजे, अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्याजे बोलता है कि 2 से 7 साल का जो बच्चा है वो कौन सी स्टेज में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में वो लाई करता है। तो जो आपका 2 से 7 साल का जो बच्चा है वो आपका आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो वो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगा। और अगर 0 से 2 साल तक का जो बच्चा है वो आपका सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा, राइट। ये भी आप याद रखिएगा, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि 0 से 2 साल का जो बच्चा है वो आपका कौन से स्टेज में आएगा, तो वो आपका सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा। और अगर आपका 2 से 7 साल का बच्चा है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मोरलिटी इन द ट्रू सेंस। लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसका लेवल है जो बात करता है एब्सेंस ऑफ मोरलिटी इन ट्रू सेंस, कि मोरलिटी जो है वो ट्रू सेंस में कहीं ना कहीं एब्सेंट है, वो कौन से लेवल की बात करता है, वो है आपका फर्स्ट लेवल, जहां पर आपकी मोरालिटी जो है वो ट्रू सेंस में काम नहीं करती है, राइट। नेक्स्ट है आपका, इन वाइगोत्स्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेगलेक्टेड। वाइगोत्स्की की थ्योरी में कौन सा एस्पेक्ट जो है डेवलपमेंट का जो कि नेगलेक्ट किया गया है, तो वो है आपका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को इन्होंने पूरी तरह से भुला ही दिया है, इन्होंने हमेशा सोशल इंटरेक्शन की बात की है, कल्चर के साथ इंटरेक्शन की बात की है, लिंग्विस्टिक की बात भी ये करते हैं, लेकिन बायोलॉजिकली जो एस्पेक्ट है उसकी बात इन्होंने कहीं पर भी नहीं की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। जो लाइव वाइगोत्स्की है उनकी जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है उनमें इनमें से कौन सी चीज़ है जो उनकी सोशियो कल्चरल थ्योरी पर बेस्ड है, तो वो है आपकी रेसिप्रोकल टीचिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की एम्फेसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल प्लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। वाइगोत्स्की जो है वो इसे कौन सा फैक्टर है जो कि जिसको जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर जो है वो मानते हैं एक बच्चे की लर्निंग के लिए, वो है मॉरल है, फिजिकल है, सोशल है, हेरिडिटरी है, कौन सा फैक्टर है। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि ये हमेशा सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, बच्चे की जो लर्निंग है उसको सोशल इंटरेक्शन के साथ जोड़कर देखते हैं, तो आपका सही आंसर होगा सोशल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय। कोलबर्ग के अनुसार एक टीचर जो है वो बच्चों में जो है मॉरल वैल्यू को इंस्टिल कर सकता है, पर कैसे कर सकता है, गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू हाउ टू बिहेव,
नहीं बिल्कुल नहीं, अगर आप बच्चों के साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करोगे तो बच्चे तो आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मॉरल इशूज़, हाँ ये हो सकता है, अगर आप उनको मॉरल इशूज़ से रिलेटेड स्टोरी आएंगे तो बच्चे शायद खुद को ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, और स्टोरीज से आपको पता है कि बच्चे एक तो आपकी बात ध्यान से सुनेंगे, स्टोरीज बच्चे वैसे भी उनको पसंद होती है तो बच्चे ध्यान से सुनते हैं, स्टोरीज से सीखेंगे, आप उनके साथ मॉरल इशूज़ पे डिस्कशन करेंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और आपको बदले में जो है वो रिस्पॉन्ड भी करेंगे। बट अगर आप उनके साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियर करोगे तो बच्चा जो है वो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा, ठीक है। फिर है लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, जी नहीं। गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद, प्याजे की जो स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उसमें जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो किससे एसोसिएट है। तो आपको पता है कि सेंसरी मोटर स्टेज में जो है आपके दो से जीरो से दो साल तक के जो बच्चे हैं वो आते हैं, तो जीरो से दो साल तक का बच्चा क्या क्या सीख सकता है आप खुद ही सोचिए, इन ऑप्शंस को देखकर आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन, भाई जीरो से दो साल तक का बच्चा जो है क्या ही लॉजिक लगाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कंसर्न्स अबाउट सोशल इशूज, जीरो से दो साल के बच्चे को सोशल इशूज पे क्या ही कंसर्न होगा, राइट। एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शंस, बिल्कुल भी नहीं। जब तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इमिटेशन मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। बच्चा क्या करेगा, आपको देखकर जैसा आप कर रहे हैं बच्चा आपको इमिटेट करने की कोशिश करेगा, राइट। और जैसा आप उसको सिखा रहे हैं वैसा सीखने की कोशिश करेगा, जैसा आप उसके साथ बिहेव कर रहे हैं वही बच्चा सीखेगा। तो जीरो से दो साल तक का जो बच्चा होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे जो है वो बड़ों की नकल करते हैं, राइट। तो यही इसमें पूछा गया है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसमें आप बिल्कुल इजीली आंसर लगा सकते हो अगर आपको पता होगा कि सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो उसमें कितने से कितने साल तक के बच्चे आते हैं, तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो। इसलिए आपको याद करना है हर स्टेज में कौन से कितने साल तक के बच्चे जो हैं वो आते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपके पास, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू, ये स्टेटमेंट किसने दी है कि चिल्ड्रन जो है, जो बच्चे हैं, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, कि वो आपकी प्याजे ने दी है। प्याजे कहते हैं चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, राइट। नेक्स्ट है आपका, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय, जो इनसाइट थ्योरी है लर्निंग की वो किसने दी है। तो इनसाइट थ्योरी जो है आपको पता होना चाहिए गेस्टाल्ट की थ्योरी है, गेस्टाल्ट ने जो है इनसाइट थ्योरी जो है वो दी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय, फोर जो डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं चिल्ड्रंस डेवलपमेंट की वो किसने जो है वो आइडेंटिफाई की है। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्याजे ने जो है चिल्ड्रन डेवलपमेंट की, जिसमें प्याजे ने फोर स्टेजेस की बात की है, जिसमें फर्स्ट है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है आपकी ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, राइट। तो ये फोर स्टेजेस हैं जिसकी बात प्याजे करते हैं, और ये फोर स्टेजेस जो हैं वो प्याजे ने दी है, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज्ड बाय वाइगोत्स्की, जो प्राइवेट स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों में वो वाइगोत्स्की ने दिया है। तो बच्चों इसमें उसने क्या कहा है, वाइगोत्स्की ने जो प्राइवेट स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है, तो किस आधार पे दिया है, कैसे उसने इसमें किस चीज़ की बात की है। तो वाइगोत्स्की बोलते हैं कि इल्यून यूज स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शंस, अपने स्पीच के थ्रू खुद के एक्शंस को जो है वो गाइड करते हैं, ये आपके वाइगोत्स्की कहते हैं, और ये आपकी प्राइवेट स्पीच का एक हिस्सा है, राइट। अगर क्वेश्चन आपसे अलग से पूछा जाता है कि प्राइवेट स्पीच जो है वो किसने दी है, तो वो वाइगोत्स्की ने दी है। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि प्राइवेट स्पीच में वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, तो वो यही कहते हैं कि जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी ही स्पीच के थ्रू अपने एक्शंस को गाइड करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे ना खुद से ही बात करते हैं, जब वो खेल रहे होते हैं तो खुद से ही बात कर रहे होते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, इस तरह से करूँगा तो ठीक होगा, इस तरह से करूँगा तो गलत हो जाएगा। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी ही स्पीच के थ्रू जो है अपने एक्शंस को गाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो है आपकी प्राइवेट स्पीच। ये आस्पेक्ट आपका वाइगोत्स्की ने दिया है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, वाइगोत्स्की बोलते हैं कि लर्निंग जो है किससे सेपरेट नहीं हो सकती। वाइगोत्स्की ने सोशल कॉन्टेक्स्ट में ही हमेशा बात की है, सोशल इंटरेक्शन की बात की है, तो वाइगोत्स्की जो है वो बोलते हैं कि लर्निंग जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट से सेपरेट नहीं हो सकती,
بچہ جو ہے ایک سوشل انٹریکشن بچہ جو ہے سوسائٹی میں ہی سیکھ سکتا ہے، اس کے باہر بچہ جو ہے وہ نہیں سیکھ سکتا، اس کی لرننگ نہیں ہو سکتی۔ پرسیپشن اور اٹینشنل پروسیس کی بات جو ہے وائگوٹس کی نہیں کرتے ہیں، ری انفورسمنٹ کی بات بھی نہیں کرتے ہیں، میجرل چینجز ان بیہیویئر اس کی بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے آپ کا، ان اے کنسٹرکٹیوسٹ کلاس روم ایز انویژنڈ بائی پیاجے اینڈ وائگوٹس کی لرننگ، ایک کنسٹرکٹیو کلاس روم میں پیاجے اور وائگوٹسکی کی لرننگ جو ہے وہ کیسی ہے، تو وہ ہے از کنسٹرکٹڈ بائی دا اسٹوڈنٹ دیم سیلوز ہو پلے این ایکٹیو رول۔ نیکسٹ ہے آپ کا، وٹ از اے میجر کرٹیسزم آف کولبرگ تھیوری، کولبرگ نے آپ کو پتا ہے مورل ڈیولپمنٹ کی تھیوری دی ہے، تو اس کا جو میجر کرٹیسزم ہے وہ کیا ہے؟ کولبرگ ڈڈ ناٹ گیو کلیئر کٹ اسٹیجز آف مورل ڈیولپمنٹ، بالکل نہیں، اس نے کلیئر کٹ اسٹیجز بتائی ہوئی ہیں تو اس میں لکھا ہے نہیں بتائی ہے تو یہ غلط ہو جاتا ہے۔ کولبرگ پروپوز اے تھیوری وداؤٹ اینی امپیریکل بیسز، یہ بھی نہیں ہے۔ کولبرگ پوسٹ دا مورل ریزننگ از ڈیولپمنٹل، کولبرگ پروپوز کرتے ہیں کہ جو مورل ریزننگ ہے وہی آپ کا ڈیولپمنٹ ہے۔ جی، کولبرگ ڈڈ ناٹ اکاؤنٹ فار کلچرل ڈفرینسز ان مورل ریزننگ آف مین اینڈ ویمین، یہ آپ کا اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس بیسڈ سمرائزز دا ریلیشن شپ بٹوین، یہاں پہ ریلیشن شپ ہوگا، ریلیشن شپ بٹوین ڈیولپمنٹ اینڈ لرننگ ایز پروپوزڈ بائی وائگوٹسکی، ان میں سے کون سی اسٹیٹمنٹ جو ہے جو بیسٹ سمرائز کرتی ہے ریلیشن شپ کو بٹوین ڈیولپمنٹ اینڈ لرننگ، جو آپ کا وکاس ہے اور جو آپ کی لرننگ ہے، کون سی اسٹیٹمنٹ ہے جو اس کو اس کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو صحیح سے سمرائز کرتی ہے؟ تو وہ ہے ڈیولپمنٹ پروسیس لیگز بیہائنڈ دا لرننگ پروسیس۔ ٹھیک ہے، جو آپ کی ڈیولپمنٹ پروسیس ہے وہ آپ کا لرننگ پروسیس کے پیچھے ہی ہے، جب آپ کا لرننگ پروسیس شروع ہو جائے گا تو دھیرے دھیرے آپ کی ڈیولپمنٹ ہونی بھی شروع ہو جائے گی، ایسا لائیو وگوتسکی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس ڈسکرائبس پیاجے اینڈ کوز ویو آن لینگویج اینڈ تھاٹ کریکٹلی، ان میں سے کون سی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پیاجے اور وائگوٹسکی کے ویوز کو لینگویج اور تھاٹس پہ کریکٹلی جو ہے وہ ڈسکرائب کرتی ہے؟ تو اکارڈنگ ٹو وائگوٹسکی تھاٹ ایمرج فرسٹ اینڈ اکارڈنگ ٹو پیاجے لینگویج ہیز پروفاؤنڈ افیکٹ آن تھاٹ، بالکل بھی نہیں، غلط ہے یہ اسٹیٹمنٹ۔ سیکنڈ ہے، بوتھ ویو لینگویج ایز ایمرجنگ فرام دا چائلڈز تھاٹ، یہ بھی غلط ہے۔ تھرڈ ہے آپ کی، اکارڈنگ ٹو پیاجے تھاٹ ایمرجز فرسٹ اینڈ اکارڈنگ ٹو وائگوٹسکی لینگویج ہیز اے پروفاؤنڈ افیکٹ آن تھاٹ، یہ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے یہ آپ کا الٹا کر کے دیا ہوا تھا، اس لیے یہ والی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ غلط ہو جاتی ہے، تو آپشن سی آپ کا اس میں صحیح آنسر ہوگا۔ ٹھیک ہے، پیاجے بولتے ہیں کہ پہلے وچار آیا، اور وائگوٹسکی بولتے ہیں کہ لینگویج پہلے آئی، لینگویج سے پھر وچار آیا، لیکن پیاجے جو ہے اس کا الٹا بولتے ہیں، پیاجے بولتے ہیں پہلے وچار آیا اس کے بعد آپ کی لینگویج آئی، رائٹ؟ تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جس میں پیاجے اور لائیو وگوتسکی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ پیاجے کہتا ہے کہ پہلے تھاٹ آیا اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ لینگویج آئی، بٹ وگوتسکی بولتے ہیں کہ لینگویج پہلے آئی اس کے بعد آپ کے تھاٹس آتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ آپ کے آج کے 23 کوشچنس، آج میں نے سوچا تھا 20 کوشچن ڈسکس کروں گی، چلیے 23 کوشچن جو ہے وہ آج آپ کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، جو کہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیے ہیں۔ اور اگر آپ نے پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، اگر آپ کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں، تو ڈسکرپشن باکس میں آپ کو نیچے لنک مل جائیں گے، آپ جا کر پلے لسٹ پڑی ہوئی ہے پوری کی پوری، ساری ویڈیوز جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے تبھی آپ کو ایم سی کیوز جو ہے وہ پریکٹس کرنے ہیں، کیونکہ ایم سی کیوز جتنے زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ اپنے ایگزام میں اچھا پرفارم کریں گے، رائٹ؟ اگر آپ ایم سی کیوز ہی نہیں لگاؤ گے تو آپ ایگزام میں اچھے سے آنسر جو ہے وہ نہیں لگا پاؤ گے، آپ کو کوئی نہ کوئی کنفیوژن رہ ہی جائے گا۔ اس لیے ڈیلی میرے ساتھ جو ہے وہ ایم سی کیوز پریکٹس کرتے رہیے، اور جن کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے وہ پہلے کانسیپٹ والی ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد آ کر ایم سی کیوز کی ویڈیوز دیکھیے، ٹھیک ہے؟ تبھی آپ کو جو ہے وہ سمجھ آئے گا۔ اور رہی بات آپ کی ایس ایس ٹی کی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 60 مارکس میں آپ کی ایس ایس ٹی وغیرہ آتی ہے، جس میں آپ کی جغرافی، ہسٹری، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، یہ سارے سبجیکٹس رہتے ہیں، تو ان پر بھی میں بہت جلدی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گی، اور پچھلے سال کی بھی کچھ ویڈیوز جو ہے وہ ان پر چینل پر آپ کو مل جائیں گی، آپ جا کر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ باقی جی کے ایچ پی جی کے آپ کو 30 کوشچنس آئیں گے، جس میں آپ کو صرف ایچ پی جی کے ہی نہیں ہوتا ہے، اس میں آپ کے کرنٹ افیئرس بھی ہوتے ہیں، تو میں کوشش کروں گی کہ ایچ پی جی کے اور کرنٹ افیئرس جو ہے وہ 30 مارکس میں اس بار آپ کو کور کروانے کی کوشش کروں۔ ایچ پی جی کے کوشچنس اور کرنٹ افیئرس کے کچھ کوشچنس بھی میں آپ کے لیے لے کر آؤں گی، تو اسٹے ٹیون فار مور لیکچرس۔ تھینک یو سو مچ۔